हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिली चिकन कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही। चिली चिकन बनाने के लिए ज़रूरत है 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन को अच्छे से क्लीन करके छोटा छोटा क्यूब करके काट लेना है। 2 मीडियम साइज ऑनियंस को क्यूब करके काट लेना है। 2 छोटा साइज कैप्सिकम को क्यूब करके काट लेना है। रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 3 ग्रीन चिलीज को मिडिल से थोड़ा काट कर लेना है। स्वाद के अनुसार नमक, 4 to 5 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 एग, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर या काली मिर्च पाउडर, 5 to 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा। पहले मैरिनेशन के लिए चिकन के साथ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है और इसको 30 मिनट्स मैरिनेशन के लिए रखना है। 30 मिनट्स के बाद ये मैरिनेटेड चिकन के साथ 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 एग डाल के अच्छे से सब कुछ मिक्स करना है। अब चिकन को डीप फ्राई करने के लिए पैन में ज़्यादा ऑयल गरम करना है। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन को एक एक करके डालना है, एक साथ पैन में ज़्यादा चिकन नहीं डालना है। इसको एक एक बैच में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मीडियम फ्लेम में डीप फ्राई करना है जब तक ना चिकन अंदर से सॉफ्ट और बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब पकौड़ा को तेल से निकाल के साइड में रखना है। सेम प्रोसेस में बाकी चिकन को भी फ्राई कर लेना है। फ्राई हो गया, अब इसको तेल से निकल के साइड में रखना है। अब इसमें से ऑयल कम करके सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल पैन में रखना है। अब ये 2 टेबलस्पून ऑयल में ऑनियन डाल के मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट्स के लिए हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक यानी लहसुन पेस्ट डाल के कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर यानी अदरक पेस्ट डाल के कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। अब इसमें हरी मिर्च डाल के कुछ सेकंड के लिए स्टर करना है। अब इसमें कैप्सिकम डाल के हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें फ्राइड चिकन डाल के 1 से 2 मिनट्स के लिए स्टर करना है। अब इसमें टोमेटो सॉस डाल के मिक्स करना है। अब इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल के मिक्स करना है। अब इसमें सोया सॉस डाल के सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स करना है।
अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अगर ज़रूरत हुआ तो इसमें और थोड़ा टमाटो सॉस डाल के अच्छे से मिक्स करना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो। अब इसमें ढक्कन लगा के मीडियम टू लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट्स के लिए पकाना है। अब ढक्कन निकल के फिर से थोड़ा मिक्स करना है। अब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में 2 टेबलस्पून पानी डाल के कॉर्नफ्लावर का एक स्लरी बनाना है। अब इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें ढक्कन लगा के लो हीट में 1 मिनट के लिए पकाना है। अब ढक्कन निकल के थोड़ा मिक्स करना है। अब चिली चिकन बनके तैयार है। अब गैस का फ्लेम को ऑफ करना है और इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करना है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करना है रोटी पराठा या फ्राइड राइस के साथ। फ्राइड राइस की रेसिपी मेरी चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही। थैंक यू।